मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्लास ट्वेल्थ का द रैट ट्रैप, है ना। द रैट ट्रैप का जो बचा हुआ भाग था उसको, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो चूहेदानी वाला अभी वो जो एक व्यक्ति था, है ना, झोपड़ी में रहता था, उसका जो पैसा चुरा कर भाग गया था और जंगल में वो फंस गया था वो, है ना। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड द डिस्पेयर। तो क्या बोल रहा है कि यह दिसंबर का समय था, है ना, अंधेरा अब पहले से ही जंगल पर छाने लगा, इसने खतरे को बढ़ा दिया था और उसकी उदासी एवं निराशा को भी। उदास हो गया था और जंगल में एकदम फंस गया था चूहेदानी वाला, तो है ना। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड ट्राइड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, बट जस्ट अस ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड अ साउंड। वो अब क्या सोचने लगा था कि मतलब उसको ना अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, वह जमीन पर लुढ़क गया, थक गया था, है ना, यह सोचकर कि उसका अंतिम क्षण आ पहुंचा है। लेकिन ज्यों ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा कि उसने एक आवाज़ सुनी। तो अब उस जो चूहेदानी वाला है एक आवाज़ सुना, मतलब पूरा घने जंगल के बीच में एक आवाज़ सुना वो, है ना। बट जस्ट अस ही लेड हिज डेट, यहाँ तक हो गया, अ हार्ड रेगुलर टंपिंग देयर वॉज नो डाउट अस टू व्हाट दैट वॉज, ही रेस्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम और आयरन मिल, ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, ही सुमोंडेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्ट्रगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वे किसी लोहे के कारखाने में हथौड़ों की आवाज़ थी, उसने सोचा, आसपास अवश्य लोग होंगे। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी, उठा और ध्वनि की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल दिया। तो अब क्या हुआ, उसको आवाज़ सुनाई दे दिया है, है ना। द रेमजो आयरन वर्क्स विच आर क्लोज्ड डाउन वेयर नॉट सो लॉन्ग अस एगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेलेटर रोलिंग मिल एंड अ फॉर्ज इन द समर टाइम लॉन्ग टाइम ऑफ हेविली लोडेड बार्ज एंड स्कॉच स्लाइड डाउन द कैनल विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम द कोस्ट डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स। तो क्या हुआ, रेमजो आयरन वर्क, है ना, जो अब बंद हो चुका था, वह थोड़े समय पहले ही एक बड़ा कारखाना था जिसमें प्रगाल बिल्ली मिल था, ढलाई भट्टी भी थी। गर्मियों में ऊपर तक भरी चपटे तल की मालवाहक नावें लंबी कतारों में नहर में तैर कर जाती थी जो एक बड़ी स्थलीय झील की ओर जाती थी, और सर्दियों में कारखाने के निकट की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थी जो कोयले के बड़े बड़े खांचों से छन कर गिरती थी। तो आप किसका नाम आ गया है, रेमजो आयरन वर्क, है ना। रेमजो आयरन वर्क का क्या चीज़ है, तो बता रहा है कि रेमजो आयरन वर्क का जो अब बंद हो चुका है करके। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर्स सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द बिग पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप एंड स्टेयर टू ग्लोविंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ ट्रांसपिरेशन थ्रू अस वाज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। तो क्या हुआ, क्रिसमस डे ठीक पहले, है ना, पहले की लंबे अंधेरी संध्याओं में से एक संध्या को मुख्य लोहार और उसका सहायक भट्टी के पास लोहार खाने में बैठे हुए थे। तो अब क्या है, जो मुख्य लोहार और उसका सहायक भट्टी के पास लोहार खाने में बैठे हुए थे और कच्चा लोहा जिसे आग में डाल दिया गया था, है ना, और उसको पीटे जाने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में उसमें से एक उठता और कच्चे लोहा के चमकते ढेर को लोहे की एक लंबी छड़ से हिला देता, कुछ क्षणों में वापस लौट आता पसीने से भीगा हुआ। यद्यपि जैसी की प्रथा थी, वह एक लंबी कमीज तथा लकड़ी के जूतों के सिवा कुछ नहीं पहनता था। तो अब क्या है, दो व्यक्ति हैं, है ना, और कारखानों में
हैं, काम कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। ऑल द टाइम देयर वेयर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज, द बिग बिलो ग्राउंडेड एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड द फायर बॉय सोल्ड चारकोल इन टू द मा ऑफ फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर आउटसाइड रोड ऑफ द वाटरफॉल एंड सर्पर नॉर्थ वाइंड वीव्ड द ट्रेन अगेंस्ट द ब्रिक ट्रायड रूप। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि पूरे समय लौ खाने में कई ध्वनि सुनाई जाती थी, बड़ी है ना, जलता हुआ कोयला कड़कड़ाता था, आग जलाने वाला लड़का भट्टी के पेट में कोयला झोंकता था, काफ़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ बाहर जल प्रपात दहाड़ता था और एक तीखी उत्तरी हवा बरसात को ईंटों से बनी छत पर कोड़े की तरह मारती थी। तो अब क्या हुआ, जो चूहेदानी वाले जंगल में फंस गया है उसको रास्ता मिल गया था, है ना, वहाँ कुछ आवाज़ें आ रही थी, जो लोहे का आवाज़ था। तो स्टूडेंट्स आगे का क्या होता है चूहेदानी वालों के साथ, चूहेदानी जो बेचता है उसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।